हेलो दोस्तों, मैं आज आपको अपने घर की हालत दिखाने जा रही हूँ। घर की बोले तो ये पर छत की हालत दिखाने जा रही हूँ। बहुत ही बुरा हाल हो रखा है हमारे घर का, और मम्मी और मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको ठीक किया जाए। ठीक तो क्या, आप ये देखिए छत में ये बारिश के कारण जो नमी आ गई है, हो तो रहा है काफ़ी सालों से, लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा बारिश आई है। ये एक मिनट मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ऐसे में नहीं दिख रहा। ये इस तरह से ये झड़ रहा है, और ये कभी भी झड़ने पे लगा हुआ है। कितना बुरा हाल हो गया देखिए। मम्मी और मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको निकाल दें, पर ये तो सारा ही निकल रहा है। का 2-3 सालों से ये लगभग शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन इतने पैसे ना होने के कारण हम इसको इग्नोर कर रहे थे कि आज करेंगे कल करेंगे, बट ये नहीं हो रहा है। और इस साल पूरे इंडिया में पूरी सब जगह इतना बारिश हो रही है, और हमारे उत्तराखंड में तो कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है, उसके कारण तो कुछ ज़्यादा ही। यहाँ देखिए, ये सेंटर टेबल के ऊपर देखिए, अगर कोई यहाँ बैठ गया तो उसके सर पे गिरेगा धड़ाम धड़ाम से। ये हम तो चाह ही नहीं रहे हैं हम तो कि खाना आजकल खाते हैं, कोई, हमारे खाने पे भी गिरते हैं। हाँ ये हम खाना खाने यहीं बैठते हैं यहाँ पे नीचे, तो हम सरक सरक के दरवाजे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस सेंटर टेबल पे तो हम बैठ ही नहीं पाते, क्योंकि वो कभी भी सर पे गिर जाता है, तो खाने में भी गिर जाता है कई बार। मम्मी उस इसके सामने वाले फ्रंट वाले से करो, ये इधर नहीं इससे ये करके वाले, पर देखो, हाँ इस इधर साइड से नहीं होगा शायद। ये देखिए दोस्तों, कितना बुरा हाल हो रखा है। और ये नहीं। देखिए, ये भी प्रूफ है कि ये काफ़ी टाइम से हो रहा है। यहाँ पे मैंने चार्ट पेपर चिपकाया हुआ है, ये पिंक कलर की वॉल पे वो करा था, तो मैंने चार्ट पेपर चिपका दिया था। अब इसके पीछे पूरी नमी, बहुत ही बुरा हाल है और डरावना हाल है। और इस कमरे का तो ये देखिए, ये हमारा बैठक है, तो ये सारा ये देखिए कितना ज़्यादा। अब यहाँ देखिए, ये हमारा बेडरूम है, मम्मी और मैं यहीं पे रहते हैं। तो ये देखिए, ये सारी जो ये काई टाइप की जम गई है बारिश के कारण, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं सूखने दे रहा है मौसम। अभी सुबह अगर धूप है तो शाम को इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि छत हमारी सूखी नहीं पा रही है। और उस कोने पे मैं, वहाँ पे मैं सोती हूँ, तो कई बार रात में मेरे सर पे उस जगह से गिर जाता है वो बार बार। यहाँ देखिए कितना बुरा हाल हो रहा है। और इसके लिए ये देखिए, नमी देखिए, ये पूरे बॉर्डर पे आ गई है। अच्छा हुआ हमने पीओपी नहीं कराया था, बट पहले हमें फील होता था इस बात का कि हमने पीओपी क्यों नहीं करवाया, बट अब लग रहा है ठीक करवाया, नहीं करवाया, क्योंकि वो और मोटा होके गिरता है। यहाँ देखिए, मम्मी ने इतना सारा निकाल दिया है। ओ गॉड, मम्मी कपड़ा बांध लेते ना आप अपने सर पे, हैं कपड़ा बांध लेते, सर पे गिरेगा। तो मैं करूँ थोड़ा सा, आपके हाथ थक गए होंगे। एक कमरा इधर भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ऊपर छत पे तो ठीक है, बट यहाँ पे देखिए, ये पूरी की पूरी जो दीवार है, ये सारी नमी आ गई है। यहाँ देखिए, बहुत ही बुरा हाल है। और अभी ये सब चीज़ें कराने का बिल्कुल भी हमारे पास हिसाब किताब नहीं है, पैसे नहीं है, तो हम सब कुछ नहीं करा रहे हैं। और मैं अब आपको ना किचन में लेके जा रही हूँ, किचन में भी मैं आपको ऊपर दिखाऊंगी कि क्या हाल हो रखा है। किचन में तो कुछ दिन पहले, अभी एक हफ्ते पहले पानी टपक रहा था। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए नमी देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ये पूरी सूख के, अभी तो पानी नहीं टपक रहा है क्योंकि लगातार बारिश फिलहाल नहीं हुई है, 1-2 दिन रुक के हुई है, तो ये सूख गया है। और इस जगह पे, ये यहाँ पे मैं कटोरे लगा के रख रही थी यहाँ पे, क्योंकि इतना पानी टपक रहा था। मैं यहाँ खाना बनाने आ रही थी तो सर पे पानी टपक रहा था, बहुत ही बुरा हाल है। मम्मी आराम से, ये देखो मम्मी यहाँ से भी निकल रहा है, मम्मी का हाथ थक गया हाँ है, तो ऐसे ऊपर देखिए जरा कितना ज्यादा निकल रहा है। आज क्या हमने पता, सोचा, शायद हमें प्लास्टर ही करवाने हाँ पड़ेगी। इन सब जगह पे देखो कितना मोटा हो गया। यहाँ देखो ये बहुत मोटा सा निकल रहा है, मुझे लग रहा है बहुत नमी आ रखी है मम्मी अंदर। अभी बारिश ना हो दोस्तों, पहले तो लगता था ना कि बारिश होगी, हम लोग नहाएंगे, पकोड़े खाएंगे, चाय पियेंगे, लेकिन नहीं। अब बारिश देख के मुझे डर लगने लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं बारिश होनी नहीं चाहिए। और ये कितना इतना ज्यादा गिर रहा है ना। बहुत बुरा हाल हो रखा है ये तो। अब नहीं निकालेंगे ना मम्मी, इसमें हमारे खाने पे ही गिरना है और कुछ नहीं। इतने तो
बहुत मोटा खर्चा कराएगा मम्मी, पर करेंगे कब? पैसे नहीं है, कहाँ से करवाना है? वही तो, देखिए जरा इसके कारण ऐसा लग रहा है कि हमने कभी सफाई नहीं करी अपने घर। अब सुबह से झाड़ू पोछा लगा हुआ है, अभी हम दोबारा ये करने लग गए, हो गया फिर बहुत ही। मतलब इस साल के बारिश ने ना हमें एक्सपीरियंस करा दिया है। ये सारी मम्मी पट्टी देखो, सारी की सारी खराब हो गई। चढ़ चढ़ के झाड़ू लगाना पड़ेगा। ये देखो कितने सीमेंट गिर रखा है। मुझे यहाँ ऊपर सोफे के सर पे चढ़ के इसको झाड़ू लगाना पड़ रहा है। इसके ऊपर भी देखना, स्लैब के ऊपर भी, वहाँ से भी गिराना। ये देखो आज तो सेंटर टेबल की हालत खराब। ये ओ मम्मी, ये तो लटक लटक के। ये देखो सेंटर टेबल की हालत क्या हो रखी है, पूरे कमरे में सीमेंट ही सीमेंट हो गए। तो पूरे कमरे का हाल देखिए कितना बुरा हो गया है। जितना हम निकाल सके थे हमने निकाल लिया है, इससे ज़्यादा तो अभी नहीं निकाल पा रहे। अब दूसरे वाले कमरे में करते हैं थोड़ा सा। दोस्तों ये देखो बेड के ऊपर पहले से ही गिर गया है। अभी हम झाड़ने आ रहे थे यहाँ पे, अब ये लगा के उन्हें उस किनारे पे भी लगा लेना, आगे कौन कहीं पे भी करो। हाँ ये देखो दोस्तों हमारे बेडरूम का भी यही हाल है, कितना बुरा हाल हो रखा है। और ये बार बार हमारे सर पे गिरता रहता है इस तरह से। अभी थोड़ा सा हम निकाल रहे हैं, आई होप कि ये थोड़ा कम गिरेगा। लोग हमारा मजाक बनाते हैं, आपको पता है, सब बोलते हैं कि हाँ तुम लोग इसको ठीक नहीं करा रहे हैं। पर ठीक कराने के लिए क्या थोड़े बहुत पैसे लगते हैं दोस्तों? कितने ज़्यादा पैसे चाहिए? पूरे घर में यह हाल हो रखा है। और जब तक मम्मी ये देखिए निकाल के यहाँ गिरा रही है, मैं आपको शॉप की हालत भी दिखाती हूँ, बाहर के गैलरी की हालत भी दिखाती हूँ मैं आपको। अब इतना सारा है, ये सब ऐसे ठीक नहीं हो सकता। ये देखो देखो दोस्तों, यहाँ भी यही हाल हो रखा है सब जगह से पूरा। और ये देखो दोस्तों, शॉप की भी यही हालत हो रखी है, बहुत ही बुरी हालत हो रखी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अगर हम कोशिश भी करते हैं तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। आपको मैं यहाँ से ये घर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, इस घर में भी इस बारिश ने कितना बुरा हाल किया हुआ है। पूरी नमी आ गई है, और वो भाभी लोग कह रहे थे कि अंदर दीवारों तक नमी आ चुकी है। और ये सब ठीक करने के लिए कम से कम हमने किसी से बात की थी, किसी पेंट वाले से, तो उन्होंने कहा था कि कम से कम जब बारिश बंद होगी उसके एक हफ्ते या 10 दिन तक बहुत कड़क धूप लगेगी छत पे, जो पूरी दीवारें छत अच्छे से सूख जाएगी, उसके बाद ही काम हो सकता है। लेकिन उसके लिए पैसे भी बहुत सारे चाहिए, तो ये अभी पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ देखिए दोस्तों, मम्मी ये गिरा रही है नीचे सब चीज़ों पर, ये कूलर वूलर सब के ऊपर, बहुत ही बुरा हाल हो गया। ये गिरा, बहुत ही दुर्गति हो रही है हमारे घर की। मतलब कोई आएगा ना तो पता नहीं क्या सोचेगा हमारे बारे में कि क्या हाल हो रखा है। ये मेरा छोटा सा टैडी, इसके सर पे भी गिर जाता है रह रह के बड़ा आराम से, और ये भी पूरा मुंह इसका काला हो जाता है। ये टैडी नहीं वैसे बतख, ये बतख नहीं, उसके बाद उल्लू लगता है, वहाँ पे कर रही है जहाँ पे मैं जिस कॉर्नर पे सोती हूँ यहीं पे ये मेरा बतख भी रहता है, और दोनों के सर पे गिरता है ये बार बार। ऊपर वाले की दया से कोई बड़ा टुकड़ा आके नहीं गिरा है, यही है शुक्र। पूरा घर, पूरे घर का नक्शा ख़राब हो गया है पूरा।
दोस्तों आप सब प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या आप सबके घर में भी इसी तरह का कुछ हाल हो रखा है इस बरसात में, ऐसी नमी आई है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आप लोग क्या, आप लोगों का ना हो, हाँ आई होप कि मम्मी ठीक कह रही है कि आप सबके साथ ऐसा नहीं हुआ हो। अगर हुआ है तो आप लोग क्या करवा रहे हैं अभी, अपनी क्या सोच रहे हैं करवाने का, प्लीज़ हमें भी सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी तो हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि हम क्या करेंगे। दोस्तों मम्मी जल्दी से झाड़ू लगा रही है, मम्मी ने कहा कि वो झाड़ू लगा लेगी और मैं पोछा लगाऊंगी उसके बाद। बट फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में सजेस्ट करना कि इसके लिए हम क्या करें कि ये जो बारिश का जो सिलन है ये बंद हो जाए। और अब तो डर बैठ गया है मन में कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पपड़ी झड़ते झड़ते सीमेंट भी नीचे आ रहा है, और कहीं ऐसा ना हो छत ही हमारे सर पे गिर जाए, बहुत ही डर लग रहा है। बाल्टी जो है इसका मलवा निकला है और अब मैं फटाफट पोछा लगा देती हूँ। मैंने इसमें सर्फ डाल दिया है जिससे कि मिट्टी अच्छे से निकल जाए, जो धूल मिट्टी है वो, तो मैं पोछा लगा देती हूँ यहाँ पे। हे भगवान, अभी तो मैं यहाँ से साफ़ करके गई थी, देखो दोस्तों फिर से गिर गया, पता नहीं क्या होगा, ये कितना और गिरेगा। चलो फाइनली मैंने पोछा लगा दिया है और आज के लिए तो ये फ़िलहाल साफ़ हो ही गया है।